जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ देखिए सुबह का सच में टाइम बहुत अच्छा लगता है देखने में व्यू। और यहाँ मैं दे रही हूँ अपने पौधों में पानी, क्योंकि सुबह या शाम दो ही टाइम देते हैं, और एक दो दिन मैं नहीं दे पाई बेटों, नहीं दिया है पानी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जितने छोटे मोटे काम थे घर के, ये सारे काम यही करते रहे हैं, जैसा भी किया हो लेकिन काम करते ही रहे हैं। और ऐसे ही सीखेंगे, कुछ काम बनेगा भी, कुछ बिगड़ेगा भी, लेकिन धीरे धीरे ये है ना कि सब कुछ आने लगेगा और परफेक्ट हो ही जाएंगे। और वैसे मेरे बच्चे काफ़ी जिम्मेदारी संभालने लगे हैं। और यहाँ पौधों में पानी देने के बाद में मैं इनके लिए लेके आई हूँ नाश्ता। भाई बच्चों को सुबह से दूध, चाय, बिस्कुट ये सब नाश्ता मिलता है, तो ये भी तो मेरे बच्चे ही हैं, तो इन्हें भी नाश्ता चाहिए। तो मैं इनके लिए पहले से ही रख लेती हूँ एक्स्ट्रा मंगा के, क्योंकि सुबह सुबह फिर कहाँ मिलेगा, तो शाम को ही मंगा के रख लेती हूँ। जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, इस तरीके से, मतलब ये हरी सब्जियाँ सारे ही खाते हैं। और मेरे बच्चे तो ये सब कुछ ही खाते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, दूध भी खा लेते हैं, आप कुछ भी दे दीजिए, बिस्किट भी खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है ना कि जो चीज़ इन्हें ज़्यादा पसंद हो वो चीज़ देनी ही चाहिए। तो यहाँ मैंने इनके लिए और अब हो रहा है फ्रेंड 5 बजे का शाम का टाइम, तो अब मैं उठी हूँ, मैं रेस्ट करने लगी थी सबका खाना वगैरह होने के बाद में, तो यहाँ कपड़े की तह नहीं हो पाई थी, तो बस मैं वही मैंने कहा तह कर लेती हूँ। छोटे मोटे कपड़ों की तह कर लेते हैं, लेकिन इनसे ना बच्चों से साड़ी वगैरह की तह नहीं हो पाती, तो यहाँ जो कपड़े पड़े हुए थे मैंने कहा इनकी मैं तह कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में मैं थोड़ा जाऊँगी मार्केट तरफ, जो मुझे ज़रूरी सामान लाना है, और वहीं से जो मेरी दवाएं ख़त्म हो गई हैं वो लेके आऊँगी। तो बस यहाँ मैं कपड़ों की कर लेती हूँ तह। और जानते हैं कि अगर आप 2-3 दिन ही काम ना करिए तो काम सच में काफ़ी भी पड़ जाता है, और काम इकट्ठा हो गया, साफ सफाई का काम, कपड़ों का काम, काफ़ी काम हो गया, लेकिन करूँगी धीरे। हाँ फ्रेंड्स, आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके आप जीत सकते हो काफी सारे प्राइजेस, वो भी लोटस 365 इन पे। और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसा हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे 50+ तरह में क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ आप अपना ओपिनियन बता के जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। 365 पर जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-1 24 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन है जहाँ आप अपना ओपिनियन देके जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रहतुल्ला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हाँ, तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365 इन पे, और लिंक पिंड है कमेंट बॉक्स में। और मैंने घी भी नहीं कर पाया था गर्म, तो इसलिए मैंने अब रख दी कढ़ाई, और उसमें मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा नहीं रख सकती, ताकि ये अच्छे से पक जाएगा, तो इसे डिब्बे में छान के रख दूँगी। इसके लिए डिब्बा मैंने स्टील का अलग से बना रखा हुआ, सारा घी उसी में रखती हूँ। देखिए नीचे सरक गया, मेरे हाथ से ही चला गया। और घी के पकाने के बाद में अब मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, और आज मैं खाना जल्दी ही बना ले रही हूँ मैं बता दूँ, क्योंकि सुबह ना सबका मन था खिचड़ी खाने का, तो खिचड़ी ही बनी थी, रोटी नहीं बनी हुई थी, इसलिए खाना अब जल्दी ही बना लिया। और मैंने यहाँ अपने लिए आम की चटनी, जो बिल्कुल ताज़ी, अभी छोटी छोटी कैरी आ रही है ना, उसकी चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए चटनी बना रही हूँ। मेरे को तो नहीं है पसंद, हो गया पसंद के ऊपर है, तो यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ती, कैरी, लाल मिर्च और जीरा, ये सब डाल के चटनी बना रही हूँ। और यहाँ मैंने लगा दिया खाना, खाने में दही, सब्जी, सलाद, ये सब है। और सबका खाना हो चुका है, तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन,
क्योंकि मुझे अभी जाना भी है, इसलिए बर्तन वगैरह सब साफ करके रख देती हूँ। और सुबह ना खिचड़ी बनी हुई थी और सूजी का हलवा बना हुआ था, तो सभी लोगों ने मना कर दिया था कि रोटी मत बनाओ मम्मा, तो रोटी नहीं बनाई हुई थी, तो इसलिए मैंने मतलब जल्दी बना दी हुई है, रात में अब नहीं बनाऊंगी। और जो प्रेस करने के लिए कपड़े रखे हुए थे ना, वो मैंने अलग निकाल के रख लिए हैं जब मैं तय कर रही थी, क्योंकि अब इनमें प्रेस करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर और भी इकट्ठे हो जाएंगे करने के लिए। तो बस जल्दी से प्रेस और कर लूँ, मतलब जो ज़रूरी कपड़े हैं उनमें ही अभी करूँगी, बाकी फिर बाद में देख लूँगी। तो बस यहाँ प्रेस और हो जाए हमारा। और इसके बाद मैं निकल आई थी, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं एक मटके की दुकान में, जहाँ की मटके मिलते हैं। और इसमें देख लीजिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि इनमें वो लगी हुई है निकालने के लिए पानी, तो उससे ना कि आपको ना ही तो हाथ डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना डंका पानी का जो जिससे निकालते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप पानी निकाल सकते हैं। तो बस मुझे ये वाला मटका पसंद आया, तो बस मैं ये वाला लेके आई हूँ। और ये वाला ना मैं पहली बार लेके आई हूँ, हर बार मतलब जो सादा मटके हैं वो लेके आते थे, लेकिन इस बार ये इस तरीके से लेके आई हूँ। इसमें क्या है ना, अब दिक्कत नहीं होगी, आप ढक के एक बार भर के रख दीजिए, फिर पानी निकालने की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए है ना ठीक। और यहाँ मैं भर रही हूँ इसमें पानी, तो हमारे यहाँ पानी भरने से पहले घी से स्वास्थ्य बनाते हैं, घी से, हल्दी से, तेल से, किसी से भी बना देते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ, इसके बाद मैं भर दूँगी पानी। एक दिन भरा रहेगा ना, तो फिर दूसरे दिन से पानी भरने लगेंगे, क्योंकि एक पहले दिन फर्स्ट दिन पानी भरते थोड़ा स्मेल सी आती है, और फिर दूसरे दिन से क्या बढ़िया पानी रहता है। और मटके का पानी ना शुद्ध और ठंडा तो रहेगा ही, क्योंकि हमारा काम भी धूप ही का रहता है, धूप से आना फिर एकदम से फ्रिज का पानी पी लेना वो भी बीमारी का कारण ही है। डॉक्टर बोल भी रहे थे कि आप मटके का पानी ही पीजिएगा। और यहाँ ये गोलू भर रहे हैं अपने लिए बॉटल फ्रिज की, फ्रिज में कम ही रखेंगे, बस दो ही चार बॉटल रखी जाती हैं, तो बस ये भर के रख रहा है, और हमने तो अपने लिए घड़ा भर ही लिया है। और अब बन रही है शाम वाली चाय, और थोड़ा चाय का टाइम लेट हो ही जाता है, अगर कहीं से आइए ना कुछ और काम में लग जाइए तो चाय का टाइम इधर उधर हो ही जाता है। अब बन रही है शाम वाली चाय, और यहाँ मैं बना रही हूँ गाय के लिए दलिया, जो कि रात के ही बना के रख देते हैं, सुबह का टेंशन नहीं रहता, सुबह केवल लगाने के लिए रह जाता है चारा सानी। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ दलिया। और हाँ फ्रेंड्स, यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक यूं ही पहुँचते रहें, मिस ना हो। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।